Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So this is the last video of ionic equilibrium, and in this lecture we are going to start very important topic of ionic equilibrium, that is solubility and solubility product. So ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात हम चीज को समझेंगे कि व्हाट इज सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. फिर उस चीज से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. सो देखो, सोल्युबिलिटी क्या होता है एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं. सोल्युबिलिटी मतलब डिजोल्व होना, वो तो आप सभी को पता है. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है. In saturated solution, the dynamic equilibrium between the undissolved salt and ions present in the solution. Undissolved salt और ions के बीच में जो equilibrium होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, solubility product. अभी आपको नहीं समझा होगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ, basic clear करता हूँ, then we'll go for definition. तो समझते हैं. देखो, सबसे पहला solubility product समझने के लिए हमको salt के बारे में समझना होगा. Salt product तीन type के हैं हमारे पास. एक है हाईली सोल्यूबल सॉल्ट. देखो बच्चे लोग, आपको बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस आता होगा, लाइक क्योंकि इधर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो प्लीज थोड़ा समझ के लेना. हाईली सोल्यूबल सॉल्ट. सेकंड जो होता है वो इनसोल्यूबल सॉल्ट, और एक होता है स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. टोटल आपको तीन टाइप के सॉल्ट है, हाईली सोल्यूबल सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट एंड स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. हाईली सोल्यूबल सॉल्ट में जैसे आ गए NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड. मतलब क्या, इधर मैं बोल सकता हूं सॉल्ट ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू मेटल. सॉल्ट ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू मेटल्स. नाइट्रेट सॉल्ट, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर हाईली सोल्यूबल सॉल्ट. नाइट्रेट सॉल्ट जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, दीज आर दी हाईली सोल्यूबल सॉल्ट. इन सोल्यूबल सॉल्ट में आ गया सोडियम, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. सीधा मैं बोलूंगा सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. लाइक मैंने एग्जांपल ले लिया सोडियम प्रोपियोनेट. क्या ले लिया मैंने एग्जांपल, सोडियम प्रोपियोनेट. तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इन सोल्यूबल सॉल्ट. क्लियर हो गया. स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होता है, ऐसे सॉल्ट जिसकी सोल्युबिलिटी होती तो है लेकिन बहुत कम होती है, मतलब ये थोड़े से अमाउंट में सोल्युबल होते हैं. बात समझ रहे हो, इट इज हाईली सोल्युबल सॉल्ट. डालो पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा. इट इज इनसोल्युबल, कितना भी डालो डिजोल्व होने वाला नहीं है. इसको डालोगे तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट, लाइक 100 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्या होगा, सोल्युबल होगा. तो दिस इज स्पायरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. तो इसके एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि सिल्वर सॉल्ट हो गए. सिल्वर सॉल्ट आर स्पायरिंगली सोल्युबल सॉल्ट, जिसमें हम लोग AgCl बोल सकते हैं, AgBr बोल सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड बोल सकते हैं. फॉस्फेट सॉल्ट, दीज आर ऑल्सो स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट. मतलब ये पानी में कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते, थोड़े से अमाउंट में, वेरी मिनिमम अमाउंट में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं. क्लियर हो गया. तो आपको सबसे पहली बात सॉल्ट का फंडा क्लियर हो गया कि भाई तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं. तो अभी जो हमको ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ते हैं स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए. इन दोनों के लिए नहीं पढ़ा जाता. हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए. क्लियर हो गया, तो इसको आप लोग नोट करो फटाफट. सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट समझने के पहले मैंने आपको सॉल्ट बता दिया, तीन टाइप के सॉल्ट होते हैं. एक होता है सोल्युबल, एक होता है इनसोल्युबल, एक होता है स्पायरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. हम लोग जो सोल्युबिलिटी का प्रोडक्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो स्पायरिंगली सोल्युबल सॉल्ट के लिए पढ़ने वाले हैं. तो देखो, मैंने एक सॉल्ट ले लिया, उसका नाम है XY. उस सॉल्ट का नाम क्या है, XY, जो कि सॉलिड स्टेट में था. फिर मैंने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो XY एक्वियस स्टेट में हो जाएगा. फिर डिसॉल्व होने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा X+ और Y- के फॉर्म में. इतना सभी को क्लियर है. तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, XY सॉलिड, इस वाले स्टेट को मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि बीच वाला है ना प्रोडक्ट, तो आपको यह मिल रहा है. XY सॉलिड इज इक्वल टू X+ आयन कॉन्सेंट्रेशन + Y- आयन कॉन्सेंट्रेशन. अब बात समझो इस चीज का मतलब क्या है. इन सैचुरेटेड सोल्यूशन द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द अनडिसॉल्व सॉल्ट एंड आयन्स प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन. तो व्हाट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
इट इज द इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब जो कंटिन्यू मोशन में होता है, इट इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट, ये कैसा है अनडिसॉल्व्ड है, एंड द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। देखो आपने एक सॉल्ट लिया था, उस सॉल्ट को आपने डिसॉल्व किया और डिसॉल्व करने के बाद जो आयंस बन गए, तो एट इक्विलिब्रियम के टाइम, जैसे कि आपको पता है आपने कुछ भी लिया थोड़ा सा टूटेगा, फिर टूटना बंद हो जाएगा, एक ऐसा स्टेट आएगा जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है और ये जो आयंस है इनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलोगे, क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो समझते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को एग्जांपल के साथ, जैसे कि मैंने एक ले लिया सॉल्ट AgCl, सॉलिड स्टेट में लिया, उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, आपको मिला Ag+ एक्वियस आयन एंड Cl- एक्वियस आयन। अब देखो ये स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है, स्पाइरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बात समझ रहे हो। तो क्या पूरा डिसॉल्व होगा, नहीं, वेरी स्मॉल अमाउंट विल डिसॉल्व, बहुत थोड़ा सा डिसॉल्व होगा, तो बहुत थोड़े से आयंस बनेंगे। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेबलिश्ड होगा अनडिसॉल्व सॉल्ट में और आयंस के बीच में, उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलोगे। तो इधर से मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो तो आपको पता है इधर इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, यानी के निकाल सकते हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो AgCl इन सॉलिड स्टेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कैसा होता है, कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि ये सॉलिड अनडिसॉल्व स्टेट ना, तो इधर आप लिख सकते हो सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनडिसॉल्व्ड AgCl इज कॉन्स्टेंट, therefore इधर मैं क्या कर सकता हूं, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, इसको एक कॉन्स्टेंट है ना, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको मैंने K- से रिप्लेस कर दिया, therefore K इंटू K- इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, K इंटू K- एक नया कॉन्स्टेंट बनेगा, जब दो कॉन्स्टेंट के बीच में मल्टीप्लाई होता है तो एक नया कॉन्स्टेंट बनता है, उस कॉन्स्टेंट को मैं बोलूंगा KSp, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अगर मैं पूछूं सिल्वर क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको आयंस के कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, दिस आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। क्यों, क्योंकि इधर देखो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है आपने, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लिया है भाई, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लिया है। इसलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते टाइम आपको आयंस का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। इज इट देयर एनी डाउट, सो दिस इज आवर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। अभी हम समझेंगे रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट करो, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं देखोगे ना, आपका फंडा क्लियर होने वाला नहीं कि इस चीज को अप्लाई कैसे करना है। अभी तो ये मैंने आपको डिराइव करके दे दिया, ये आपको अप्लाई करना कैसे वो आप अभी सीखोगे, सो प्लीज बी फोकस जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट करो। सो गाइस लेट डिस्कस द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो S का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी, KSp का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू X^x इंटू Y^y इंटू S^x+y। अभी कैसे समझते हैं इस चीज को अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे कि मैंने एक सॉल्ट ले लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड, इट विल डिसोसिएट एज Ag+ ion एंड Cl-ion, क्लियर हो गया। तो देखो इधर x और y क्या होते हैं ना, बेसिकली स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लाइक इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इधर भी कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, तो x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। इस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करो, KSp इज इक्वल टू X^x यानी 1:1
1 होता है, इधर भी y raise to y, 1 raise to 1 into s raise to x plus y, यानी 1 plus 1, ये तो पूरा 1 हो गया, तो 1 को जाने दो, इधर क्या बचा, s raise to 2. So this is the relationship between solubility product and solubility for the salt of type 1:1. देखो ये कौन से type का salt है, 1:1. जिसमें x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, मतलब कटायन भी 1 है और अनायन भी 1 है. क्लियर हो गया. चलो मैं दूसरा टाइप का सॉल्ट लेता हूं, लाइक मैंने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2. इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो आपको भी पता है कैल्शियम प्लस 2 मिलेगा और क्लोराइड क्या मिलेगा, 2Cl माइनस मिलेगा. कैल्शियम क्या मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा और क्लोराइड क्या मिलेगा, 2Cl माइनस. 2 क्लोरीन है कि नहीं. तो इधर मुझे x का वैल्यू कितना मिला, 1, और y का वैल्यू कितना मिला, 2. तो फॉर्मूला में मैं रखूंगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू x रेस्ट टू x, यानी 1 रेस्ट टू 1, उसको जाने दो वो तो 1 ही होता है, 2 रेस्ट टू 2, 1 रेस्ट टू 1, चलो लिख देता हूं, x रेस्ट टू x इनटू y रेस्ट टू y, y क्या है, 2, तो 2 रेस्ट टू 2 इनटू s रेस्ट टू x प्लस y, x के जगह पे लिखूंगा 1, y के जगह पे लिखूंगा 2, तो इधर आपका हो जाएगा, देखो ये 1 को जाने दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और s रेस्ट टू क्यूब. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी फॉर द सॉल्ट ऑफ टाइप 1:2 और 2:1, जिसमें एक कटायन हो या दो अनायन हो या दो कटायन हो या एक अनायन हो, उसके लिए यही रिलेशन है. चाहे आप कोई भी दूसरा सॉल्ट ले लो, क्लियर हो गया. जैसे कि मैंने सोडियम सल्फेट ले लिया, Na2SO4, Na2SO4, तो इसमें देखो Na plus 1 और SO4 minus 2, लेकिन कितना Na है, 2 Na है ना, आपको पता है सल्फेट पे minus 2 होता है, तो minus 2 को बैलेंस करने के लिए 2 Na plus लगेगा. तो इधर x का वैल्यू क्या है, 2, y का वैल्यू क्या है, 1. फॉर्मूला में अप्लाई करो, आपको यही आंसर आने वाला है, 4s cube. क्लियर हो गया. तो चाहे 1:2 का सॉल्ट हो या 2:1 का सॉल्ट हो, उनके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में ये रिलेशन होता है. 1:1 टाइप के सॉल्ट के लिए ये रिलेशन होता है. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और इसको फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं, इसको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे. क्लियर हो गया. तो अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं दूसरे सॉल्ट का, लाइक मैंने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड. क्या ले लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3. इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा Al+3 और क्लोराइड को तोड़ोगे Cl-1. अब कितना क्लोरीन मिलेगा आपको मालूम है, इसके ऊपर प्लस 3 है तो देखो 3 क्लोरीन है कि नहीं, 3 क्लोरीन है. तो x का वैल्यू तो 1 है क्योंकि इधर 1 है और y का वैल्यू क्या है, 3 है. फॉर्मूला आप में अप्लाई करोगे, 1:1 जाने दो, 3:3 क्या होता है, 3:3, इसको मैंने नहीं लिखा, समझ गए ना, इनटू s:2, 1+3, 3:3 क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27 ना, 3 3 9, 9 3 27, 27 इनटू s:4. So this is the relationship between solubility and solubility product for a type of salt that is 1:3 or 3:1. क्लियर हो गया ना. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, या तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो. आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई इन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है. जैसे कि मैंने बोला अमोनियम फॉस्फेट, मैं क्वेश्चन देता हूं सिंपल, अमोनियम फॉस्फेट के लिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है अमोनियम फॉस्फेट. तो अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, तो NH4 thrice PO4, इनमें क्या रिलेशन है. तो देखो आप कैसे पता करोगे, आपको पता है ये टूटेगा तो अमोनियम आयन बनेगा, इधर से बनेगा फॉस्फेट आयन. अमोनियम कितना है, 3 है, फॉस्फेट कितना है, 1 है. तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे पता करोगे भाई x और y का वैल्यू. क्लियर हो गया ना. इसलिए ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने कटायंस और अनायन का लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उधर से याद कर लो. क्लियर हो गया. अमोनियम फॉस्फेट, अब देखो इधर x का वैल्यू है 3, y का वैल्यू है 1, देखो ना 3:1 है, 3:1. तो मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा Ksp is equal to x:x, यानी 3:3 into y:y, y के जगह पे क्या लूंगा, 1:1 into s:3+1. तो ये तो पूरा गया, 1:1 तो 1 ही होता है, उसको जाने दो. 3:3 क्या होता है, 27 होता है और 4 का s:4 हो जाएगा, 27 s:4.
सो ये रिलेशन होता है। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है रिलेशन बिटवीन सल्युबिलिटी एंड सल्युबिलिटी प्रोडक्ट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट। लेकिन अगर 1:1 आया तो आप लोग याद कर लो S² होगा, अगर 1:2 आया, 2:1 आया तो फॉर्मूला याद कर लो 4S³ होगा, रिलेशन समझिए। 1:3 हो या 3:1 हो तो 27S^4। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई भी सॉल्ट ले लो, मैंने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 थ्राइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको तोड़ोगे तो एल्यूमिनियम आयन निकलेगा और सल्फेट आयन निकलेगा, क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, इधर मैं लिखूंगा 2। सल्फेट कितना है, 3 है, तो इधर क्या लिखूंगा, 3। तो x का वैल्यू लूंगा 2, y का वैल्यू क्या लूंगा, 3। अब इसको फॉर्मूला में रखूंगा तो KSP x^x यानी 2^2 इनटू y^y यानी 3^3 इनटू s^x+y यानी 2+3। तो देखो इधर क्या होगा, इसका कितना होता है 4 होता है इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है इंटू s^5। 27 × 4 कितना होता है 108, कितना होता है 108 इंटू s^5। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सल्युबिलिटी फॉर अ टाइप ऑफ सॉल्ट 2:3, क्लियर हो गया। तो ऐसे कोई भी सॉल्ट मिले, कोई भी रेशियो रहे, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है और ये फॉर्मूला में लगा दो, यू विल गेट रिलेशनशिप बिटवीन सल्युबिलिटी एंड सल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ये आप सभी को, इज इट देयर एनी डाउट। अभी हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइज, अभी हम सल्युबिलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सल्युबिलिटी। सल्युबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ये तीनों सॉल्ट को। तीन सॉल्ट है, एक है XY, एक है XY2, एक है XY3। तीनों का सल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है। अब सल्युबिलिटी प्रोडक्ट से वी कैन कैलकुलेट सल्युबिलिटी, और सल्युबिलिटी आ गया तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रहेंगे। तो सबसे पहला मैं सॉल्ट XY की बात करूंगा। देखो इसमें एक कटायन है, एक अनायन है, मतलब 1:1 है। इसका रिलेशन क्या था, सल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और सल्युबिलिटी में KSP = S², याद नहीं होगा लेकिन अभी आपने देखा था, लास्ट स्लाइड में जाके देख लो, लेकिन इसको याद कर लो, क्लियर हो गया, नहीं तो बार बार कैलकुलेट थोड़ी ना करते बैठोगे भाई। 1:1 टाइप के लिए S² होता है। जहां पर आपको क्या दिया है, S निकालना है, तो S क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ये स्क्वायर है उधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ KSP। तो S = अंडर रूट ऑफ KSP का वैल्यू कितना दिया है, 4×10⁻¹⁸, 4×10⁻¹⁸। तो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2, और 10⁻⁸ का क्या हो जाएगा, 10⁻⁴। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर या तो ग्राम पर लीटर। सल्युबिलिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर या ग्राम पर लीटर, क्लियर हो गया। सेकेंड जो है XY2, ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट। इसमें अगर मैं सल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सल्युबिलिटी का रिलेशनशिप बताऊं तो KSP = 4S³, याद रहे KSP = 4S³, क्लियर हो गया। अब देखो, तो आपको पता है KSP का वैल्यू कितना दिया है, KSP का वैल्यू दिया है 4×10⁻⁶ = 4S³। ये 4 कैंसल, ये S³ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो S = √10⁻⁶। तो 10⁻⁶ का क्यूब रूट क्या होता है, 10⁻², क्योंकि 10⁻²  को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁶ होता है, तो इधर 3 बार कम करना है तो 10⁻²  मोल पर लीटर। सल्युबिलिटी का यूनिट पता कर लो, मोल पर लीटर है, याद रखना है आपको, या तो ग्राम पर लीटर। XY3 ये लास्ट टाइप है, जिसमें आपको देखो ये 1:3 टाइप ऑफ सॉल्ट है। इसमें सल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सल्युबिलिटी में क्या रिलेशन था, 27×S^4। सल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना दिया है, 2.7×10⁻¹⁵ = 27×S^4। S^2 क्या हो जाएगा, 4, 27 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2.7×10⁻¹⁵ डिवाइड बाय 27 = S^4। ओके, तो ये कैंसल होगा, कितना बचेगा, 0.1,
कितना बचेगा 0.1, तो 10^-15 है और 10^-1 है, तो क्या हो जाएगा 10^-16 इज इक्वल टू s^4, देयरफॉर s इज इक्वल टू, ये जो इधर पावर में है वो इधर चले जाएगा इनटू 10^-16, 10^-16 का क्या हो जाएगा इधर 10^-4, तो s का वैल्यू कितना आ गया 10^-4 मोल पर लीटर। अब आपको देखो तीनों का सल्युबिलिटी का ऑर्डर वैल्यू मिल गया है, इसका 2 × 10^-4 है, इसका 10^-2 है, इसका 10^-4 है, तो किसका सल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसका इसका नेगेटिव पावर सबसे कम है मतलब इसका सल्युबिलिटी ज्यादा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब बड़े से छोटे में, तो एक्स वाई टू का सल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा किसका है इसका एक्स वाई का, 2 × 10^-4 है ना बच्चे लोग, जबकि ये सिर्फ 10^-4 है, तो फिर आएगा आपका एक्स वाई और सबसे लास्ट में आएगा एक्स वाई 3। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऐसा ही क्वेश्चन जेई के पेपर में आ चुका है, क्लियर हो गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको जरा सा भी नॉलेज होगा इस फॉर्मूला के बारे में, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यू कैन कैलकुलेट, यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल वेरी इजीली। इज इट देयर एनी डाउट, तो इसको भी प्रॉपरली नोट कर। सो गाइस लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इज 5.2 × 10^-13। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डीएम क्यूब एंड ग्राम पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब को मोल पर लीटर भी बोलते हैं और ग्राम पर डीएम क्यूब को ग्राम पर लीटर भी बोलते हैं। तो आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो ये चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो दिया है आपको, सॉल्युबिलिटी निकालना है। AgBr जो सॉल्ट है वो कौन से टाइप का सॉल्ट है, 1:1 टाइप का सॉल्ट है, और जब भी 1:1 टाइप का सॉल्ट होता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, एस स्क्वायर वाला रिलेशन होता है। तो इधर से मेरे को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, मुझे सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू √KSP। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, 5.2 × 10^-13 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना, 52 × 10^-14 भाई, डेसिमल इधर क्या, तो नेगेटिव पावर बढ़ेगा कि नहीं, 10^-14, 52 का जो स्क्वायर रूट है, देखो 10^-14 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10^-7 हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। 52 यानी 49 के करीब है, 49 का कितना होता है, 7 होता है, तो 52 का 7.2 के करीब करीब होगा, क्लियर हो गया। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इन मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर हो गया। कभी भी आपको देखो सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा ना, तो जब आप सॉल्युबिलिटी निकालोगे वो किस में निकलेगा, मोल पर डीएम क्यूब में निकलेगा, किस में निकलेगा, मोल पर डीएम क्यूब में, नो डाउट, क्लियर हो गया। लेकिन अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम पर डीएम क्यूब में, किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम पर डीएम क्यूब में, ये मुझे मोल पर डीएम क्यूब मिला, नाउ कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो समझते हैं। अब आप सभी को पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, देयरफॉर मास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास, देयरफॉर मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास। आपके पास देखो आपको किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो मास किसमें होता है, ग्राम में होता है, इधर मोल दिया है आपको, मोलार मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, मोलार मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, मोल मोल के आंसर आपको किसमें आ जाएगा, आंसर ग्राम में आ जाएगा कि नहीं। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, आपको ग्राम में चाहिए, ग्राम मतलब मास में चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, मोलार मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोलार, मोल मोल कैंसिल, बचा क्या, ग्राम, मतलब आपका आंसर आ गया ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर के लिए आपको करना क्या है, ग्राम पर लीटर के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका सॉल्युबिलिटी आया है एस, उसको मल्टीप्लाई कर देना है मोलार मास से, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मोलार मास से। तो सॉल्युबिलिटी कितना आया आपका, देयरफॉर सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, सॉल्युबिलिटी कितना आया आपका, ये मोल पर लीटर में आया, किसमें आया, मोल पर डीएम क्यूब में आया, या लीटर बोलो, मोल पर डीएम क्यूब और ग्राम पर डीएम क्यूब, आपको किसमें निकालना है, ग्राम पर डीएम क्यूब में। तो जो भी मोल पर डीएम क्यूब में सॉल्युबिलिटी है कितना है, 7.2 × 10^-7 इंटू मोल पर, इसका यूनिट क्या है, देखो बच्चे लोग मोल पर डीएम क्यूब, समझ रहे हो, मोल पर डीएम क्यूब, क्लियर हो गया।
इसका यूनिट क्या है, मोलार मास कितना AgBr का 187.8। इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल है। इसका यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, मोल मोल कैंसल, बचा क्या, ग्राम अपॉन डीएम क्यूब। तो आपका आंसर आ गया कि नहीं, ग्राम पर डीएम क्यूब में, क्लियर हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.35 इंटू 10^-4 ग्राम बचा ऊपर और नीचे क्या बचा, डीएम क्यूब। तो इस तरीके से आप सोल्युबिलिटी निकाल सकते हो इन ग्राम पर डीएम क्यूब। देखो कभी भी जो आपको सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया रहेगा ना, उससे जो आपको सोल्युबिलिटी मिलेगा वो मोल पर डीएम क्यूब में मिलेगा या मोल पर लीटर में मिलेगा। उसको ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मोलार मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मोलार मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर डीएम क्यूब। इज इट देयर एनी डाउट, तो इसको भी प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ लीड सल्फेट इन वॉटर एंड लीड नाइट्रेट सोल्यूशन। सो देखो आपको पहले सोल्युबिलिटी पता कर रहा है वाटर में, फिर लीड नाइट्रेट सोल्यूशन में। तो इधर एक फंडा आ जाएगा, उस फंडे का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट, जो कि हम लोग ने सीख चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग सर्च करके देख सकते हो, केमिकल ज्ञान कॉमन आयन इफेक्ट इक्विलिब्रियम के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। अराउंड 5वां या 6वां लेक्चर होगा मेरे ख्याल से वो। तो फाइंड द सोल्युबिलिटी ऑफ लीड सल्फेट। पहले मैं वाटर की बात करता हूं, इन वाटर, इन वाटर। तो वाटर में कैसा पता करेंगे वो समझते हैं। सो देखो लीड सल्फेट ये जो सॉल्ट है, ये कौन से टाइप का सॉल्ट है, इसको तोड़ोगे तो Pb+2 और SO4-2 मिलेगा, यानी 1:1 टाइप का सॉल्ट है। 1:1 टाइप के सॉल्ट के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी में रिलेशन क्या होता है, Ksp=S2। देखो ये वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर कुछ असर डालेगा क्या, नहीं डालेगा भाई। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर असर डालेगा, नहीं डालेगा, क्लियर हो गया। तो देखो इधर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आपको सोल्युबिलिटी दिया है, सोल्युबिलिटी मिल जाएगा, तो S=√KSP, ये मिल गया √KSP। तो देखो √KSP क्या है, KSP का वैल्यू 10^-4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10^-2 मोल पर डीएम क्यूब या तो मोल पर लीटर, क्लियर हो गया। ये तो वाटर के अंदर मिल गया, जो कि बहुत सिंपल था। अब हमको बात करना है लीड नाइट्रेट के अंदर, सेकेंड चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट में अगर आप सॉल्ट देखोगे तो ये, अब इधर देखो आपको किसका पता करना है सोल्युबिलिटी, लीड सल्फेट का ही पता करना है, बट इन लीड नाइट्रेट किसमें पता करना है, लीड नाइट्रेट के अंदर। तो चलो समझते हैं, इस चीज में कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, क्योंकि देखो इधर भी लीड है, इधर भी लीड है, तो लीड क्या करेगा, कॉमन आयन इफेक्ट बनाएगा। देखो समझते हैं कैसे, PbSO4 एक सॉल्ट है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे सोल्युबल होगा, Pb+2 और SO4-2 इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, समझ रहे हो, इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन जो लीड नाइट्रेट है PbNO3, दीज आर हाईली सोल्युबल सॉल्ट। मैंने आपको बताया था नाइट्रेट सॉल्ट्स आर हाईली सोल्युबल, मतलब ये पूरे के पूरे सोल्युबल हो जाएंगे, Pb+2 भी सोल्युबल होगा और NO3-1 भी क्या होगा, सोल्युबल होगा पूरा का पूरा। जबकि इसमें पूरा सोल्युबल होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है, ये स्पाइरिंगली सोल्युबल सॉल्ट होता है, ये हाईली सोल्युबल सॉल्ट होते हैं, क्लियर हो गया आपको ये बात। तो मान लो इसका सोल्युबिलिटी कितना था, S, कितना था S, क्लियर हो गया, या तो S- मान लो, क्योंकि वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी तो आपने S निकाल दिया है, इधर कितना था सोल्युबिलिटी, S- था। लीड सल्फेट का सोल्युबिलिटी मैंने माना इन लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट के अंदर इसका सोल्युबिलिटी कितना है, S-, तो इधर भी देखो ना, वन है, तो ये भी कितना होगा S- और ये भी कितना होगा S-, क्लियर हो गया। इसका कितना दिया, 0.2 मोलार, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 0.2 मोलार, तो टूटेगा, देखो ना पूरा का पूरा सोल्युबल हो जा रहा है। मैंने क्या किया, 0.2 मोलार लीड नाइट्रेट लिया, पानी में डाला, पूरे के पूरे आयंस बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं, क्योंकि ये क्या, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 0.2 ये देखो 2 नाइट्रेट है ना, ये कितना है 2 नाइट्रेट, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 मोलार। इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मूला याद करना काफी जरूरी है जितने भी सॉल्ट है, बिकॉज जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आप ये सब चीज नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको आयन अकेटाइन एनायंस का लिस्ट दिया, उधर से आप लोग उसको लर्न कर लो कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। इज इट देयर एनी डाउट।
तो अभी मैं इधर क्या निकालूंगा, सल्युबिलिटी प्रोडक्ट। याद करो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। इधर क्या होगा बच्चे लोग, इक्विलिब्रियम है बिटवीन दी अनडिसॉल्व्ड सॉलिड्स एंड डिसोसिएटेड आयन, तो द सल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालूंगा। तो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस तो लीड आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो क्या मैं लीड आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, इधर मैं सिर्फ एच डैश लूंगा, नहीं ना, मैं तो 0.2 मोलार भी लूंगा ना भाई, क्योंकि ये भी तो है बच्चे लोग, ये भी तो है, तो इसका भी तो असर गिना जाएगा ना, क्योंकि पूरे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरे सोल्यूशन में होता है, तो सोल्यूशन में इधर से भी आपको मिल रहा है 0.2 मोलार, इधर से क्या मिल रहा है, एच डैश मिल रहा है, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। देयरफोर KSP इज इक्वल टू, दोनों लूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, दोनों लूंगा मैं। देखो इधर का रफ कर दे रहा हूँ वाटर वाला, बिकॉज स्पेस नहीं है, मैं वाटर वाला रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो प्रॉपरली। अब देखो ध्यान से देखना, इधर से मुझे KSP मिल गया, ये जो लीड का कॉन्सेंट्रेशन है क्या बस मुझे लीड सल्फेट से मिलेगा, नहीं, सोल्यूशन में लीड नाइट्रेट भी है, लीड नाइट्रेट तो स्ट्रॉन्ग है, तो वो भी तो कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है ना 0.2, तो दोनों को लेना पड़ेगा, बिकॉज दोनों कॉमन है, दोनों क्या है, कॉमन है। तो इधर मैं KSP सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लीड सल्फेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लीड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट। क्लियर हो गया, ये 1:1 टाइप का सॉल्ट है, जैसे मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था AgCl का, ऐसे ही हम लोग ने प्रूफ किया था ना, याद आ रहा है। देखो अब इधर लीड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों लोग, 0.2 इधर से मिलेगा, इधर से क्या मिलेगा, एच डैश, 0.2 प्लस एच डैश। क्लियर हो गया। और सल्फेट का कितना है, सल्फेट का तो सिर्फ कितना है, एच डैश है। मैं देखो एच डैश है ना इज वेरी वेरी स्मॉल लेस देन अराउंड 0.2 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए मैं एच डैश को अराउंड 0 मानता हूं। देखो बच्चों लोग ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए, पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए, एंड दिस इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें जो सोल्युबिलिटी होगा लीड आयन का, देखो ये सॉलिड लिया, समझ रहे हो, इसमें सिर्फ कुछ ही अमाउंट में सोल्युबल हो गए, यानी बहुत कम। ये जो एच डैश है दिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 0.2, क्योंकि ये वीक होके स्ट्रॉन्ग होके पूरा का पूरा हो रहा है, ये तो बहुत वीक है, तो ये क्या पूरा होगा, नहीं, बहुत छोटे अमाउंट में। तो 0.2 के कंपैरिजन में दिस एच डैश इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर मैं एच डैश के जगह पे 0 लिख सकता हूं, क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा। इसके कंपैरिजन में इधर मैं 0 ले लूंगा तो ये गायब हो जाएगा। केएसपी का वैल्यू कितना दिया, 10^-4, ये बचा 0.2 इंटू एच डैश, देयरफॉर सोल्युबिलिटी यानी एच डैश, ये देखो 0.2 है, 0.2 को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चे लोग, 2 × 10^-1, तो देखो ये 10^-4 है, नीचे गया 0.2 नीचे गया। इधर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों जगह मैं ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर और नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 × 10^-4 हो जाएगा, और 0.2 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 10, तो आंसर आएगा 5 × 10^-4। तो सोल्युबिलिटी कितना आया, 5 × 10^-4। क्लियर हो गया। वाटर के केस में सोल्युबिलिटी कितना था बच्चे लोग, याद करो वाटर के केस में सोल्युबिलिटी आया था 10^-2 आया था, लीड नाइट्रेट के केस में सोल्युबिलिटी आया था 5 × 10^-4। तो लीड नाइट्रेट के केस में लीड सल्फेट का सोल्युबिलिटी कम हो गया, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन। ये जो लीड नाइट्रेट है वो भी लीड आयन दे रहा था, बहुत ज्यादा दे रहा था, जिसके ज्यादा देने की वजह से लीड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया था। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा इस तरफ राइट हैंड साइड में तो इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल, जैसे ही लीड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है वो सल्फेट के साथ जुड़ के वापस इधर दे देता है, इसलिए कॉमन आयन के वजह से सोल्युबिलिटी जो पहले वाटर के केस में 10^-2 था अब उससे कम होके 10^-4 बन गया। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कॉमन आयन सोल्युबिलिटी के ऊपर असर डालते हैं, इस तरीके से कॉमन आयन बफर के ऊपर असर डालते हैं, ये सब चीज तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आज हमको पता चल गया कि कॉमन आयन सोल्युबिलिटी पे कैसे असर डालते हैं। क्लियर हो गया। जो पहले आपने देखा था एस लिया था मैंने, एस वाटर के केस में, तो एस में से एस सोल्युबल हो रहे थे तो आपका आंसर आ गया था 10^-2, इधर कितना हो रहा है एच डैश, दिस एच डैश इज वेरी 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 लेस देन
0.2, अगर देखो अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेशन लेना है बच्चे लोग, तो मैं पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लूंगा। इधर जो मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिया है, ये वाले जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन है, तो सोल्यूशन में इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, दोनों को ऐड कर दिया। ये एच डैश इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 0.2, आप खुद देखो, क्योंकि ये वीक है, ये स्ट्रांग है, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, ये बहुत माइनर डिसोसिएट होगा, बहुत माइनर सोल्यूबल होगा, इसलिए इधर एच डैश को मैं जीरो मान सकता हूं। क्लियर हो गया? इधर नहीं मानूंगा भाई, क्योंकि इधर मैं इन दोनों को कंपेयर करो ना, इसलिए इसको जीरो माना। ये तो अकेला है तो इसको पूरा लेना पड़ेगा, या तो अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इधर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई थिंक सो ये ज्यादा बेटर होगा। इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। अभी हमारा एक टॉपिक बच जाता है जो कि आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में है, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। होप आपका सोल्युबिलिटी और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल के डाउट हो गए वो शायद से सॉल्व हो गए होंगे। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है? ये कॉमन एन इफेक्ट को लेकर था, चलो इसको भी नोट कर लो। सो गाइस, आज के लिए लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। सो ये क्या नई चीज़ है भाई, आयोनिक प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो इस रिएक्शन में, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहली बात तो ये सीखेंगे आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन होता क्या है, देन विल डिस्कस कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे जिससे आपका पूरा जो भी डाउट्स एंड ऑल है वो क्लियर हो जाएगा। सो देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक सॉल्ट ले लिया एक्स वाई, ये मैंने सॉल्ट ले लिया एक्स वाई सॉलिड स्टेट में, जो कि डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होकर डिसोसिएट होगा इनटू एक्स प्लस एंड वाई माइनस। क्लियर हो गया? तो अगर इधर मैं बोलूं आयोनिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो आयोनिक प्रोडक्ट को हम लोग किससे दिखाते हैं? आईपी से। किससे दिखाते हैं? आईपी से। आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई माइनस। आप बोलोगे सर ये तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसा हो गया, क्योंकि याद करो सोल्युबिलिटी का सबसे पहले उन्होंने यही निकाला था, AgCl का एग्जांपल लिया था, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आया था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, यानी ये x प्लस और ये y माइनस। बट इधर एक चीज का डिफरेंस है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये एट एनी ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, समझ ना, एनी कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, दीज आर ओनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये फर्क है। क्योंकि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पाने के लिए रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, लेकिन आयोनिक प्रोडक्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, मतलब ओवरऑल जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा आपको लेना होगा, लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के लिए हम लोग सिर्फ कौन सा लेते हैं? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं। क्या ये बात आप सभी को क्लियर हो गया? Is it there any doubt? तो आयोनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो सिर्फ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, जबकि आयोनिक प्रोडक्ट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ले लेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन कि कौन से कंडीशन पर प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा। तो ये दोनों में मैं कंपैरिजन करूंगा, आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। इफ आयोनिक प्रोडक्ट आईपी आईपी इज लेस देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक ऐसा कंडीशन भी होगा कि आईपी इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ रहे? आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और थर्ड कंडीशन होगा आयोनिक प्रोडक्ट विल बी मोर देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ रहे? तो कौन से कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा आप खुद सोचो। आयोनिक प्रोडक्ट लेस है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब क्या? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बन सकते हैं। अब बात समझ रहे हो, आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, सॉरी आयोनिक प्रोडक्ट कम है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब उधर और भी सोल्युबिलिटी होगा। इधर ध्यान से देखो, आयोनिक प्रोडक्ट ये है, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये कम है, मतलब आयोनिक प्रोडक्ट कम है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब और भी डिसॉल्व होगा। तो वो सोल्यूशन कैसा है? वो सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड। कैसा है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व, और भी उसमें डिसॉल्व होगा, मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व, मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व। बात समझ रहे हो? इधर क्या हो गया ना, रिएक्शन इस तरफ बढ़ सकता है, और भी सोल्युबिलिटी हो सकता है।
आईपी इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, मतलब ये कैसा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये कैसा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इधर अगर आप और डालोगे तो अभी सॉल्युबिलिटी होने वाला नहीं है। इफ आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी मतलब इधर क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगा, इधर आपका प्रेसिपिटेशन होगा। अगर आपके न्यूमेरिकल में आपका आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है मतलब उधर उस सॉल्ट का क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगा। आप खुद सोचो सॉल्युबिलिटी आपका देखो क्या हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन क्या हो गया सुपर सैचुरेटेड। आपने क्या किया सबसे पहले सॉल्ट को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हुआ वो आयंस बन रहे थे। सबसे पहले आपने एक पानी में क्या किया एक सॉल्ट डाला, वो सॉल्ट सॉलिड स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में जाने के बाद एक्वस स्टेट से वो डिसॉल्व हुआ, तो डिसॉल्व हो रहा था जितना ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। एक टाइम ऐसा आएगा आप डालते जा रहे हो इसकी सॉल्युबिलिटी रुक जाएगी मतलब वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा सैचुरेटेड, वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा सैचुरेटेड। इतना क्लियर हो गया। फिर उसमें मैंने और सॉल्ट डाला, इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने और सॉल्ट डाला, क्या वो डिसॉल्व हो गए क्या, नहीं। देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही बहुत ज्यादा है, ये मैंने डाला तो x प्लस और y माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि सारे के सारे डिसॉल्व हो रहे फटाफट। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो सैचुरेटेड में x और y माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा है। जैसे ही मैंने x y वापस डाला तो ये जो आयंस थे समझ रहे हो अब वो वापस तो डिसॉल्व हो गए नहीं, ये वापस तो डिसॉल्व होगा नहीं, तो ये क्या करेगी ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और वापस आपको क्या दे देंगे एक्स वाई दे देंगे, क्या दे देंगे एक्स वाई, और एक्स वाई सॉलिड फॉर्म में समझ रहे हो। पहले सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन एक सुपर सॉरी सॉल्यूशन कैसा हो गया सैचुरेटेड हो गया मतलब अभी उसमें कुछ डिसॉल्व होने वाला है क्या नहीं, लेकिन जैसे ही आपने डाला तो क्या होगा बच्चे लोग कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही आपने एक्स्ट्रा डाला तो ये पहले टूटेगा लेकिन इक्विलिब्रियम विल डिस्टर्ब और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये वापस जुड़ के आपको क्या दे देगा सॉलिड दे देगा। आप बात समझो ये पानी लिया इसमें मैं सॉल्ट डालते गया डिसॉल्व होते गया एक्स प्लस वाई माइनस बनते गया, एक टाइम ऐसा आया ये सैचुरेटेड हो गया। फिर उसमें जब उसमें मैंने डाला तो x प्लस वाई माइनस बनेगा और लेकिन ये सैचुरेटेड है तो वापस एक्स वाई कंबाइन हो जाएगा और आपको सॉलिड दे देंगे, मतलब आपको समझाना जब सॉलिड दे दिया मतलब आपको क्या बन गया प्रेसिपिटेड बन गया। तो कभी भी अगर आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू केएसपी से ज्यादा हो तो आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा, ये चीज याद रखना है। आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू केएसपी यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो सो यू विल गेट प्रेसिपिटेट। सो इज इट देयर एनी डाउट रिगार्डिंग प्रेसिपिटेशन, क्या होता है प्रेसिपिटेशन, कभी भी कोई रिएक्शन होता है जैसे कि आप देख लो पानी के अंदर NaCl डालो वो डिसॉल्व हो जाएगा, NaCl डालो वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो डिसॉल्व पानी के अंदर डालने के बाद वो क्या बन जाते हैं प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। जैसे उनका सॉल्युबिलिटी पूरा हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया उसके अंदर आप डालो वो डिसॉल्व नहीं हो गए वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएंगे, उस सॉलिड फॉर्म को आप क्या बोलते हो प्रेसिपिटेट बोलते हो। क्लियर हो गया ना, तो इसको नोट करो। अभी हम बात करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। सो गाइस दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑन आयोनिक प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको ये समझा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है। सो इधर आपको क्वेश्चन क्या दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड विल टेक्स प्लेस। ये आपको चार कंडीशन दिए हैं और चारों कंडीशन में से कौन से कंडीशन में कैल्शियम फ्लोराइड का प्रेसिपिटेशन होगा। कैल्शियम फ्लोराइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है तो आपको मालूम है सिंस फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और केआईपी में क्या रिलेशन है, आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेशन होने के लिए आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। देखो आपको केआईपी लिखना है तो आप ये लिखो, अगर आपको आईपी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया, तो आयोनिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होना चाहिए। तो कौन से केस में आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्ट है हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड, सो कैल्शियम फ्लोराइड कैसे लिखोगे CaF2, इसको आपने क्या किया CA+2 और 2F-। मैंने आपको क्या बताया था,
आपको मैंने क्या बताया था, सल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट सेम है, लेकिन सल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होता है और आयोनिक प्रोडक्ट में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। सो इधर से अगर मैं आपको आईपी निकालू, आयोनिक प्रोडक्ट यानी के आईपी, या तो मैं आईपी निकालू तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन, और जो था वो ऊपर पावर में चले जाएगा, जो भी आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो ऊपर पावर में चले जाता है। अगर इधर 3 होता तो ऊपर वो 3 चला जाता। क्लियर हो गया क्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया, जो भी पावर में हो, जो भी इधर स्टोइचोमेट्रिक होगा उसको आपको क्या करना है, पावर में डाल देना है। इज इट देयर एनी डाउट? जैसे कि अगर मैंने इधर एक सॉल्ट ले लिया, जैसे कि मैंने ले लिया अपना सोडियम फ्लोराइड, मान लो सोडियम फ्लोराइड ले लिया, या तो सोडियम साइनाइड ले लिया, तो Na प्लस बनेगा और CN माइनस बनेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CN माइनस। इधर भी देखो 1 है तो इधर पावर 1, लेकिन 1 का तो कोई मतलब नहीं होता। अगर इधर 3 होता तो पावर क्या चले जाता, 3 चला जाता, ये चीज का याद रखना है आपको। 4 होता तो पावर क्या चले जाता, 4 चला जाता। तो आपको ये मिल गया आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू मिल गया। अब इसमें बस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू रख दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले वाले केस में मैं बात करूंगा, पहले वाले केस के लिए देखो कैल्शियम आयन कितना है, 10^-4 है, 10^-4 इंटू ये कितना है, 10^-4, तो 10^-4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 10^-8। तो देखो ये 10^-4 इंटू 10^-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10^-12 हो जाएगा। 10^-12 है, 10^-7 है, सॉरी 10^-10 है, मतलब ये वाला जो है 10^-10 से कम है। ज्यादा होना चाहिए, आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तभी तो प्रेसिपिटेशन होगा ना। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, 10^-3 कैल्शियम आयन है इंटू फ्लोराइड आयन कितना है, फ्लोराइड 10^-5 है, 10^-5 का स्क्वायर क्या होता है, 10^-10 और 10^-3, 10^-13 जो कि 10^-10 से क्या है, कम है, तो इधर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन देखते हैं, 10^-2 इंटू 10^-3 का स्क्वायर, 10^-3 का स्क्वायर कितना है, 10^-6 इंटू 10^-2, 10^-8 -8 जो कि बड़ा है 10^-10 से। तो देखो इधर आयोनिक प्रोडक्ट जो मैंने निकाला वो सल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्या है, ज्यादा है, तो इधर प्रेसिपिटेशन होगा। फोर्थ वाला भी आप खुद करके देख लेना, फोर्थ में हो रहा है कि नहीं वो आप बता देना। क्लियर हो गया कि कैसे सॉल्व करना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, सबसे पहले ये निकालने आना चाहिए आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि इधर मैं कोई दूसरा सॉल्ट दे देता, मैं दे देता अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, NH4 thrice PO4, समझ गए। तो इधर से आपको अमोनियम आयन मिलता और फॉस्फेट आयन मिलता, लेकिन अमोनियम आयन कितने बार मिलता है, 3 बार, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयन, और अमोनियम का जो इधर 3 है वो ऊपर चले जाता। क्लियर हो गया, और जो भी वैल्यू होता है वो इधर रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आपको मिलता है के आई पी, और फिर उसका सल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कंपैरिजन कर देते तो आपको पता चल जाता कि वेदर प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस और नॉट। तो थर्ड कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा। क्लियर हो गया कि किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकते हैं ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज हमारा इक्विलिब्रियम के सारे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है, और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चे लोग, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। लाइक आपको ऑस्वर्ड डाइल्यूशन लॉ पे क्वेश्चन बन सकता है, आपको एसिड बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, हमको बफर सॉल्यूशन पे क्वेश्चन बनता है, हमको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट, ये सारे ही टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने हर एक टॉपिक को विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल के साथ हर एक टॉपिक को कवर किया है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया ना, उस चीज को आपको प्रॉपरली रिवाइज करते रहना है, और इन सारे टॉपिक को आपको क्या करना है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। बिकॉज जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे, आप पेपर में नहीं अच्छा कर पाओगे, क्योंकि हम अच्छा पढ़ा लेंगे इट्स फाइन, बट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, आपने नोट बनाया होगा तो उस नोट को गो थ्रू किया करो टाइम टू टाइम, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया करो, तो आपका कंसेप्ट है ना बच्चे लोग क्लियर होते जाएगा, और वो आपके मेमोरी में
भी बना रहेगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका हैबिट हो गया ना, तो आप पेपर बहुत अच्छा करोगे। सो जितना भी पढ़ा है इस चीज को रिवाइज करना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल ऑन आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर में जितने भी अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो उस वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।